आदिवासी संस्कृति के देशेर मानुषेर सामने तुले धरते जातीय आदिवासी उत्सवेर आयोजन करेछे केंद्र, जार प्रशाके नाम देवा होयेछे आदि महोत्सव। जनजाति विषयक मंत्रकेर अधीने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडारेशन लिमिटेडेर उद्योगे राजधानी दिल्लीते एई उत्सवेर आयोजन करा हय। बृहस्पतिवार सकाले एई अनुष्ठाने उद्बोधन करेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्बोधनीय अनुष्ठान थेके देशेर आदिवासी जनजातिर मनोन्नयने केंद्रीय सरकारेर उद्योगेर खतियान तुले धरेन तिनि। पाशापाशि प्रधानमंत्री हवार आगे থেকে তার সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্কের কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। আপ সবাই কো আদি মহোৎসব কি বহুত বহুত শুভকামনায়। আজাদী কে অমৃত মহোৎসব আদি মহোৎসব দেশ কি আদি বিরাসত কি ভব্য প্রস্তুতি কর রহা হ্যায়। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखा। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है, जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था। अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है, जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं, चाहे इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो मुझे अनेकों राज्यों में और उसमें भी हमारे जनजातीय समूह के बीच जाने का अवसर मिलता था। मैंने देश के कोने में आदिवासी समाजों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ कितने ही सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखी है, उसे जिया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। गुजरात की पूरी पूर्वी पट्टी उस आदिवासी पट्टे में जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा में लगाने का मुझे सौभाग्य मिला था। आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे देश के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूं तो एक अलग ही तरह अपनत्व मुझे फील होता है। आपके बीच अपनों से जुड़ने का एहसास होता है।